यहां पर कौन सा ट्रिक यूज करेंगे जिससे ये कॉम्प्लिकेटेड सिंप्लीफिकेशन आपके लिए सिंपल बन जाए। तो आप देखोगे यहां पर आप परसेंटेज परसेंटेज और परसेंटेज दिया हुआ है, तो इस सारे परसेंटेज को मैं कैंसिल कर लूंगा। देखिए ये मैं कैंसिल कर लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कैंसिल कैसे किया सर, तो आपको बता रहा हूं, देखिए ये परसेंटेज और ये परसेंटेज मैंने कॉमन रख लिया मैंने, और देखिए नीचे क्या है, देखिए ये परसेंटेज था तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो ये कॉमन का ट्रिक लगाकर मैंने सारे परसेंटेज को कैंसिल कर लिया, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करना हूं, देखिए ये सारे नंबर दिए हुए हैं तो मैं एक ऐसा नंबर लूंगा मैं जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा एक नंबर निकालूंगा। तो अब देखोगे यहां पर 91 है, यहां पर 104 है और यहां पर 312 है, तो मैं क्या करूंगा 13 नंबर लूंगा, तो 13 7 जा कितना होगा 91 हो जाएगा, 13 8 जा कितना होगा 104 हो जाएगा, और 13 24 जा कितना होगा 312 होगा, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे ये किस टाइप का ट्रिक लेके आते हो सर, ये लॉजिक ही नहीं बैठता। लॉजिक बैठता है, आपने सीखा नहीं है, अब मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए आप समझे, यहां पर लिखा हुआ है 2+8 और नीचे देखिए यहां पर 6 लिखा है, क्लियर है। आप क्या करते थे अभी तक, आप कि 2+8 करके आप 10 लिखते थे और यहां पर नीचे 6 लिखते थे, क्लियर है। उसके बाद क्या करते थे, 2 5 10 और 2 3 6, तो आपका आंसर आता था 5/3 आता था। और मैंने क्या कर दिया, देखिए यहां पर शॉर्ट ट्रिक यूज कर दिया मैंने, ये किया कि 2 1 2 2 4 8 और यहां पर 2 3 6 कर लिया मैंने, तो अब क्या हो रहा है, देखिए 4+1 5 हो गया और देखिए यहां पर 3 आ गया, तो सिंपल ट्रिक से मैंने इजीली सॉल्व कर दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही ट्रिक इसमें अप्लाई किया मैंने। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब फिर से मैं एक ऐसा नंबर लूंगा कि बाकी सब नंबर कैंसिल हो जाए, तो आप देखोगे यहां पर, देखिए यहां पर 8 है, तो यहां पर 8 है तो 8 1 8 8 4 32 हो गया, और यहां पर 8 3 कितना होगा 24 होगा, क्लियर हो गया। अब मैं फिर देखता हूं कुछ ऐसा नंबर बचा हुआ है जो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आप देखोगे यहां पर 14 है, यहां पर 7 है और यहां पर 35 है, तो क्या करूंगा मैं, 7 1 7 हो गया, 7 2 14 हो गया और 7 5 कितना हो गया 35 हो गया। देखिए सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर 1 बचा है, यहां पर 4 है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 4 1 कितना होगा, यहां पर 4 लिख दूंगा, प्लस यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो 2 1 कितना होगा 2 होगा, तो यहां पर मैं 2 लिख दूंगा, और नीचे देखिए 5 3 यहां पर 15 बचा हुआ है, तो 4+2 कितना होगा 6 होगा, यहां पर मैं 15 लिख लेता हूं। मैं अगर रिड्यूस करना हो रिड्यूस कर सकते हो आप, 3 2 6 3 5 15, तो आपका 2/5 आ गया। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डेसिमल में आंसर दिया है तो डेसिमल में निकाल लेना आप, 0.4 होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने 0.4 डायरेक्टली कैसे लिख लिया आपने, वो भी हमें सिखाइए, तो आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर 2/5 है, तो अब क्या करूंगा, देखिए अगर बेस मेरा अगर 10 हो जाए तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहां पे क्या करता हूं, बेस 10 लाने के लिए मल्टीप्लाई 2 करता हूं, तो 5 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया है तो इससे गद्दारी क्यों करेंगे, हिस्सा इसको ही बराबर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जिससे मैं 0.4 मैं इजीली कर लूंगा। ये समझाया मैंने, इसलिए टाइम लगा, लेकिन अब जब दिमाग से करोगे ना तो सिंपल से सॉल्व कर लोगे, क्लियर हो गया। चलिए और एक सम आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो सम स्ट्रक्चर्स पर दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ खास लेके आया हूं। क्या खास बात है आइए आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बुक रिफर करने वाला हूं मैं, ये बुक दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये है कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, तो आप लोगों के लिए ये बुक है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों CBSE चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बुक के अंदर 1100 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक चीज यहां पर डिटेल में मिलेगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी यहां पर दिए हुए हैं। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं इन 10 साल में, उन 10 सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। और आपको यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां पर भी क्वेश्चन में अटक जाओगे वहां पर QR कोड दिया हुआ है, वो QR कोड को स्कैन करके भी इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि पेज मैंने यहां पर देखा है, उस पेज में एक लिखा हुआ है कि आप
आपके खुद एग्जाम क्रिएट कर सकते हो, मतलब सैंपल पेपर क्रिएट कर सकते हो भी दो मिनट में। और आपको यहां पर फैसिलिटी ये दी गई है कि आप इजी, मीडियम, हार्ड ये सब चीज आप सेट कर पाओगे और टाइमर भी सेट कर पाओगे। किसके अंदर देखोगे? oswal.io के अंदर। तो ये दोस्तों यहां पर QR कोड स्कैन करना है जिससे आप इजीली आप अपने सैंपल पेपर क्रिएट कर सकते हो और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लगी है इसलिए मैं आपको रिफर कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके आप परचेस कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए। देखिए सेकंड सम लेके आया हूं। देखिए ये सेकंड सम के अंदर देखोगे आप अगर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके लिए देखिए हमेशा की तरह बहुत सिंपल ट्रिक लेके आया हूं। ध्यान दोगे अगर आप यहां पर तो ये देखिए ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया और ये एक आपका टर्म हो गया। टोटल कितने टर्म हो गए? 1, 2, 3 टर्म हो गए। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये दो टर्म के अंदर आप क्या देखोगे यहां पर कि ये जो है नंबर और ये नंबर जो है वो आपका कॉमन आ रहा है, तो इसे आप कॉमन साइड पे लिख लीजिए। तो 1120 आपने लिख लिया और ब्रैकेट में क्या आएगा? देखिए ये आएगा, तो 1001 लिख लिया मैंने। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लिखा मैंने और ये 999 को आप यहां पर लिख दोगे, क्लियर हो रहा है, और प्लस यहां पर 55 लिख लोगे, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे? देखिए यहां पर 1120 मल्टीप्लाई इससे इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा प्लस 55। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बोडमास रूल के हिसाब से, तो 2 0 0 हो गया, 4 2 2 आ गया, प्लस यहां पर 55 करो तो आंसर क्या होगा? देखिए 2295 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए थर्ड सम आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए थर्ड सम लेके आया हूं। देखिए थर्ड सम आप देखोगे तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्म आ गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको रूल तो पता है पावर एंड एक्सपोनेंट का। रूल इस तरह से कि ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होते हैं? प्लस हो जाता है, तो एम प्लस एन होता है, क्लियर हो गया। और ये मल्टीप्लाई की जगह पर अगर यहां पर डिवाइड हो तो क्या होता है? a पावर m माइनस n होता है। इतना क्लियर हो गया है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगा? प्लस होगा, और डिवाइड होगा तो पावर क्या होगा? माइनस होगा, क्लियर हो गया है। इसे मैं रफ कर देता हूं। इसी चीज को हम यहां पे यूज करेंगे और देखोगे आप सब, देखिए बेस जो है सबका सेम है और फाइंड क्या करना है? देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर मैं एक्स लिख लेता हूं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि भाई इसको हमें फाइंड करना है, क्लियर हो रहा है। बेस सेम है तो बेस को भूल जाएंगे हम, याद रखेंगे सिर्फ पावर को याद रखेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए पावर देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में 7.8 मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो प्लस पावर देखिए 1.2 हो गया, उसके बाद देखिए डिवाइड में है तो पावर क्या होगा? माइनस होगा, यहां पर 5 होगा, इक्वल टू देखिए यहां पर 1 छुपा होता है तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा, और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा? यहां पर प्लस होगा, क्लियर हो रहा है। अब देखिए 7.8 और 1.2 क्या होगा? 9 हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और ये प्लस 1 जो है माइनस 1 हो जाएगा तो आपका आंसर जो है 3 आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप तो समझाने के लिए किया मैंने। जब आप एग्जाम में करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करोगे, क्या करोगे? सिंपली ये सबको प्लस करके माइनस करके आंसर निकाल लोगे, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम लेते हैं। आपके लिए देखिए फोर्थ सम लेके आऊं। देखिए फोर्थ सम के अंदर डेसिमल दिया है और डेसिमल को कैसे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं देखिए यहां पर क्या करोगे, आप देख सकते हो यहां पर यूनिट टेंस है और यहां पर यूनिट टेंस है, तो आप इजीली लिख सकते हो यहां पर 44/2 लिख सकते हो। ये कैसे हुआ मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखिए यहां पर दिया है 4.4 दिया है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? यूनिट 10 से तो नीचे 10 लिख देंगे तो पॉइंट अपने आप हट जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर दिया 0.2 दिया है, तो आप यहां लिखोगे 2/10 लिखोगे जिससे ये डेसिमल हट जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? 44/10 है, ठीक है, और इस चीज को क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10/2, तो 10 कैंसिल हो गया और 44/2 आ गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस चीज को इधर भी ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो? 10 कैंसिल कर लीजिए और 44/2 लिख दीजिए, जो आपको ईजी लगे वो आप समझ लेना, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे, ये तो यूनिट टेंस था, यूनिट टेंस दोनों सेम टू सेम थे तो ये कैंसिल हो गया। सेम टू सेम मतलब आपका यूनिट टेंस डेसिमल सेम था, नंबर सेम नहीं था, क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहां पर 8.5 दिया है, 0.25 दिया है, तो इसके डेसिमल जो है वो सेम नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे,
आपको लिखना है 85 लिखना है, यूनिट टेंस तो यहां पर आपको 10 लिख देना है। उसके बाद 0.25 आप 25 लिखोगे यहां पर, यूनिट टेंस 100 है तो ऊपर आप 100 कर लोगे। लेकिन ये चीज पॉसिबल कैसे हुआ तो यहां पर समझाता हूं। देखिए आपको 8.5 दिया था, इस पॉइंट को निकाल लोगे तो यहां पर 10 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या 0.25 है तो 25 अपॉन यहां पर 100 हो जाएगा। उसके बाद इस चीज को आप रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 85 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25। यही चीज तो मैंने यहां पर लिखा, मैंने क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपके लिए, अब सिंपल हो गया। देखिए ये चीज समझाना था इसलिए टाइम लगा ये चीज, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया तो इजीली कर पाओगे। देखिए यहाँ पर इक्वल टू कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर मैं एक्स लिखता हूँ, और तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, नीचे हम 100 लिख देंगे, क्लियर है। और मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर मैंने 80 लिख दिया, हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, सेम चीज देखिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10 और 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 3 बचा 35 है तो 5 7 35 यहाँ पर 17 आ गया, 17 2 कितना होगा 34 होगा, प्लस यहाँ पर देखिए कैंसिल कर लेता हूँ तो 2 2 2 2 44 हो गया, तो यहाँ पर लिखूंगा 22, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए 2 4 8 हो गया, 2 5 10 हो गया, तो यहाँ पर 4x अपॉन 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 34 प्लस आप 22 करो कितना होगा आपका 56 होगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 4x अपॉन 5 हो जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, देखिए ये चीज जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 इक्वल टू x हो जाएगा। ये कैसे होता है, 5 मल्टीप्लाई में आएगा और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये 4 डिवाइड में जाएगा, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, क्लियर है। अब देखिए 4 1 4 रिमाइंडर 1 बचा तो 4 4 16 हो गया, और x इक्वल टू 14 5 क्या होगा 5 4 20 और यहाँ पर 70 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 70 आ गया। तो इतने इजीली आप बिना स्ट्रेस लिए आप अपने कैलकुलेशन को इंटरेस्टिंग बनाकर इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक सम लेके आ रहा हूं आपके सामने, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके लिए देखिए और एक सम लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से शॉर्ट ट्रिक यूज करके आप इजीली सिंप्लीफाई कर पाओगे। देखिए यहां पर दिया क्या है, 1089 मल्टीप्लाई 101 प्लस 36 मल्टीप्लाई 44 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आप देखिए यहां पर इसे आपको बेसिक मेथड से आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं सिखाने वाला शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं। तो आप यहां पर क्या करोगे, 101 को आप इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्या करोगे सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्या होगा आपको बताता हूं। देखिए यहां पर 1089 ये हो गया, क्लियर है। उसके बाद आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 0 लगाना है आपको, सिंपल तरीके से हो गया। फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, यही कॉपी कर दोगे 1089, क्लियर हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए यहाँ पर तो 989901 और इसको यहाँ पे लिख लोगे 1099989, क्लियर हो गया। अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए आपको दो टाइप बताऊंगा, मैं दो ट्रिक बताऊंगा जो आपको इजी लगे आपको वो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले ट्रिक ये है, देखिए यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई 44 है तो यहाँ पर देखिए 36 जो है 40 से 4 कम है, और देखिए ये जो है 44 जो है वो 40 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर 40 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब देखिए 4 4 से कितना होगा 16 होगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 0 यहाँ पर साथ में आ जाएंगे और यहाँ पर माइनस 4 4 से 16 हो गया। अब इसको इससे माइनस करोगे क्या होगा 1584 आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब और एक टाइप बताता हूँ और एक मेथड बताता हूँ आपको जिससे आप इजिली मल्टीप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर 36 लिखोगे मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर 44 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे, ठीक है। सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 कितना होगा 24 तो 4 यहाँ पर 2 कैरी हो गया, 4 3 12 और 12 प्लस 2 कितना होगा 14 होगा मल्टीप्लाई बाय 11। 11 का ट्रिक तो आपको पता है, इसको आप यहाँ पे लिखिए और ये नंबर को आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद 1 प्लस 4 5 और 4 प्लस 4 यहाँ पर 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे 1584 लिख दोगे और इनको प्लस करोगे तो आंसर क्या होगा
111573 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ट्रिक को यूज करके इस तरह के सम को आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ट्रिक बहुत सारे हैं, आपको अगर याद रहेगा ना तो वो ट्रिक को यूज करके आप मैथ्स खेल सकते हो, मैथ्स आपको इजी लग सकता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कहाँ पे क्या यूज करना है। क्लियर है? चलिए और एक सम लेके आ रहा हूं। दोस्तों आपके लिए देखिए और एक सम लेके आया, देखिए इस सम में देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक्स सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। और फिर क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से परसेंटेज निकाल लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 125 दिया और यहाँ पर देखिए 1250 दिया है, तो 125 हो गया। और यहां पर देखिए मैं 10 लिख दूंगा क्योंकि 125 10 जा 1250 होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 × 7/6, तो यहां पर 7/6 ही आएगा, मल्टीप्लाई में x कर लूंगा। उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 84 × 10 है, तो यहां पर 840 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद देखिए ये 7/6 है, आपको ट्रिक सिखाया था मैंने, ये फ्रैक्शन जब उधर जाता है या फिर वहां से इधर आता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहां पर x इक्वल टू 840 × आप लिखोगे 6/7 लिखोगे। उसके बाद यहां पर 7 × 1 = 7, रिमाइंडर देखिए यहां पर बचेगा 1, 7 × 2 = 14 और यहां पर 0 आ गया। और यहां पर 12 × 6 = कितना होगा, 72 होगा, 107 में आ गया, आपका सिंपल तरीके से आंसर आ गया। क्लियर हो क्या नहीं है? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। चलिए और एक सम लेके आ रहा हूं आपके सामने जिससे और भी अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओ। तो चलिए दोस्तों आपके लिए देखिए आखिरी सम लेके आओ, इस आखिरी सम के अंदर बहुत कुछ सिखाने वाला हूं जिससे आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। देखिए यहां पर क्या दिया है, 125% of 36 + 225% of 44 + 175% of 76, कैसे सॉल्व करोगे? देखिए बेसिक मेथड से करने जाओगे, परसेंटेज निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या करोगे, ये जब भी ऐसे परसेंटेज दिया हो तो आपको फ्रैक्शन सीखना होगा। आप देख सकते हो, देखिए 125% को आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो, 5/4 लिख सकते हो। ये कैसे डायरेक्टली मैंने कर लिया, मैंने तो आपको बताता हूं। देखिए यहां पर 125% दिया है तो आपको जो फ्रैक्शन बदलना हो तो इस परसेंटेज नीचे आएगा, यहां पर 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहां पर 125 हो गया, 25 × 4 से कितना होगा, 100 हो गया, तो 5/4 हो गया। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए मैंने 5/4 लिख दिया, इसके बदले लिख दिया मैंने। क्लियर है? उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई में 36 लिखूंगा प्लस, अभी 225 है तो 225 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, सिंपल फॉर्म में देखिए हम लिखेंगे यहां पर 9/4 लिख देंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि आप कैसे याद रख पा रहे हो सर, वो हमें सिखाइए। तो आपको बता रहा हूं, देखिए शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए। यहां पर देखिए 225% दिया है तो यहां पर 100 लिखेंगे और 25 9 = 225 और 25 × 4 = 100 हो गया, 9/4 हो गया। क्लियर है? अब मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, देखिए 25 25 का ऐसा कुछ सीरीज आएगा तो आपको सिंपल करना है, आपको हमेशा आपको 4 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 25 × 5 = 125 तो 5/4 हो गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए 225 क्या करोगे, हमेशा की तरह 25 का सीरीज है तो आप 4 लिख दोगे और 25 9 क्या होता है, 225 होता है तो आप 9 लिख दोगे। देखिए ये फ्रैक्शन भी आपको याद हो गया। अब देखिए 175 है तो 175 क्या होगा, देखिए हमेशा की तरह आप 4 लिखोगे और 25 के टेबल में 175 कब आता है, 25 7 आपका 175 होता है तो 7/4 हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन को आप याद रख पाओगे। अब देखिए फ्रैक्शन को पुट कर दूंगा मैं तो कितना सिंपल हो जाएगा, देखिए हमारा, अब मैं लिखूंगा, देखिए यहां पर 9/4 लिख दिया मैंने, इसके बदले मल्टीप्लाई बाय 44 हो गया प्लस, आपको मैंने अभी सिखाया मैंने, यहां पर 7/4 होगा, इसके बदले मल्टीप्लाई 76, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 9 = 36 हो गया, 4 11 = 44 हो गया और यहाँ पर 4 1 = 4 हो गया, यहाँ पर 3 बचेगा तो 4 9 = 36 हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद 9 5 = कितना होगा, 45 होगा और देखिए 11 9 = कितना होगा, 99 होगा प्लस, अब 19 7 = कितना होगा, 133 होगा और इन सबको प्लस करोगे तो आंसर कितना होगा, 277 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे सिंपल ट्रिक से आप सिंप्लीफिकेशन को ईजी कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो
पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह।